तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हमारा एसी का पंप पहुंचा है हमारे पास, जो 220 वोल्ट पर काम करता है। उसका एक रिव्यू दिखाते हैं। जो हमारे भाई एक दो टैंक लगा के काम शुरू करना चाहते हैं, ये उनके लिए बढ़िया रहेगा, बजट में रहेगा। और ये मैंने काफी सस्ता खरीदा है, जो कि शायद आप लोग विश्वास ना करें, लेकिन अगर आप लोग को भी चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप उसको देख लीजिएगा। तो और आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको शायद कुछ सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े। हर विषय पर हम वीडियो बनाएंगे, बायोफ्लॉग चाहे एक्वापोनिक चाहे एक्वा कल्चर, ये जितने भी होते हैं फिश फार्मिंग सिस्टम, इन सब का हम एक एक चीज कवर करें, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो बायोफ्लॉग चल रहा है तो उसके बारे में ही हम मेन फोकस बनाए हुए हैं अपना। तो इसीलिए अपना थोड़ा गार्डनिंग का भी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं आजकल, तो क्योंकि तो मार्च में तो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हो जाएगी, तो उस टाइम शुरू भी करना है, मुझे खुद आप लोगों के संग करना है। और मेरे से जुड़े रहिएगा, आपका भी सफल होगा। और दोस्तों, प्रोबायोटिक के बारे में विशेष चिंता ना करें, आप लोगों को बिना प्रोबायोटिक के भी बायोफ्लॉग हो जाएगा। सिर्फ ये है कि कुछ शर्तें होती है जो उनको आपको मेंटेन करना है। तो आपको मैं ये इसका रिव्यू दिखाता हूँ, ये मेरे पास कल पहुँचा है, थोड़ा अभी नई वेबसाइट है, कलकत्ता से ऑपरेट होती है, वहाँ से पहुँचा है ये। हालांकि मुझे तो ये काफ़ी सस्ता पड़ा, आप लोगों को शायद उससे 100 रुपये महंगा पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एसीओ कंपनी का, देखिए पंप कोई भी है, एयर पंप चाइनीज ही होते हैं। और वैसे आप लेना चाहें इस तरह के जो मैकेनिकल पंप होते हैं हवा भरने वाले, तो वो इंडियन होते हैं। लेकिन इस टाइप के अगर आप पंप लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर पंप, तो ये चाइनीज ही आते हैं। ये मॉडल है ACO001, जिसकी पावर कंजप्शन काफ़ी कम है। ये समझ लीजिए कि आप कहीं LED लगाते हैं तो एक LED के बराबर इसकी पावर कंजप्शन है, तो ये बहुत ही कम है। और 220 वोल्ट पे काम करता है, 18 वाट पावर कंजम्पशन है, 20 KPa का प्रेशर है और 38 लीटर पर मिनट आउटपुट है इसकी। इधर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। बाकी मैं तो खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा दिखता है ये। वेट कोई ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है 600-700 ग्राम का होगा। इसके साथ में एक जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है वो भी आया था, शायद वो नीचे ही छूट गया। और प्लग थोड़ा अलग स्टाइल से है, इंडिया में तो ऐसे प्लग नहीं होते हैं, लग रहा है यूरोपियन प्लग दे दिया है साथ में। खैर कोई बात नहीं, प्लग तो काट के भी आप जोड़ सकते हैं। इसकी टेस्टिंग हम कर चुके हैं, अच्छी आउटपुट दे रहा है ये। मतलब पानी में टेस्ट नहीं किया, वैसे हवा का टेस्ट किया था, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है ACO001, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ पावर, 18 वाट, यानी इंडिया में जो भी पावर सप्लाई आती है उसके अनुसार ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। घर की आपकी लाइट जो भी है उससे भी चलेगा। तो ये आप अगर कैट फिश या तिलापिया पालन करना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार लीटर के 2 टैंक आप चाहिए ऑपरेट करने के लिए, बहुत बढ़िया है, यानी 20 हज़ार लीटर पानी के लिए आपका ये काम चल जाएगा। और अगर आप IMC पालन करना चाहते हैं तो उसमें तो आपका एक ही टैंक के लिए ये होगा, यानी लगभग ये 14-15 हज़ार लीटर पानी को कर सकता है। बाकी हम इसको अभी टेस्ट करेंगे पानी में डाल करके। अभी हमारा लट्टू यानी एयर एयर स्टोन जो होते हैं वो, और जो उसके साथ पाइप आता है, पाइप जो लगेगा वो अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है, वो शायद कल शाम तक या परसों हमारे पास आएगा। तो हम इसको लाइव दिखाएंगे कि कितने फुट पानी को ये ब्लो कर रहा है। वैसे इस पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आप 38 लीटर पर मिनट इसके आउटपुट दे रहे हैं तो ये 4 फुट से अधिक पानी को ब्लो कर सकता है, इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा हुआ है।
अगर आप इससे अधिक आउटपुट निकालते हैं तो फिर ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और अगर कम आउटपुट निकालते हैं यानी कि जैसे ये चार दिया हुआ है, इसके साथ में चार कनेक्शन दिए हुए हैं, तो अगर आप सिर्फ चार पर ही यूज करते हैं, सिर्फ चार एयर पर एयर स्टोरेज से ऑपरेट करेंगे आप, तो इसका प्रेशर काफी होगा, फिर आप 5 फुट 6 फुट पानी कभी ब्लो कर सकते हैं। प्रेशर इसका कभी कम होगा, जबकि ये मान लीजिए कि चार की जगह आपने आगे जाके इसका 8 कर लिया, फिर 8 की जगह 16 कर लिया, 16 कनेक्शन भी आप बना सकते हैं। बाकी दोस्तों थोड़ा वीडियो हम पॉज कर रहे हैं, हाँ तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं भूल गया था आप लोगों को दिखाना, ये हमारा पुराना जो हमने रिव्यू किया था वो वाला पंप है, तो दोनों में अंतर दिखाना चाहता था मैं कि क्या अंतर है आपको। ये तो खैर डीसी पंप है, ये सोलर से चलने वाला है, लेकिन ये एसी पंप है, डायरेक्ट आप एसी से यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अंतर है इसमें, इसके साथ में हमें ये चार पॉइंट वाला मिला हुआ है और ये पाइप मिला, और इसके साथ में ये पाइप मिला, दोनों का अंतर आपको साफ दिख रहा होगा कि कितने कितना अंतर है, लगभग ये डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा है ये पाइप की मोटाई, और ये भी मोटा है इसका, ये आउटपुट का पिन जो है पतली है, और इसके साथ में हमें ये 10 पॉइंट वाला मिला हुआ है, इसके साथ 4 पॉइंट वाला मिला हुआ है, क्योंकि ये 38 लीटर है और ये 85 लीटर पर मिलता है, तो ये दोनों में अंतर है कुछ, जितना भी जितना हैवी पर आप जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा बड़े पंप। और ये मेरे पास लगभग 8-10 पंप अभी तक पड़े हैं, ये जो हम अपना पहले एक्वापोनिक सिस्टम चलाते थे तो इस तरह का पंप हमने नहीं मंगा रखा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा एयर के देने की आवश्यकता नहीं है, एक 10,000 लीटर के टैंक में ऐसे ऐसे अगर आप 2 भी लगा देते हैं तो आपका काम चल जाता है। और कुछ वाटर पंप जो पानी गिराते हैं हम लोग तो उसको फवारे की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे भी ऑक्सीजन काफ़ी मिल जाता है, तो इसीलिए उसमें छोटे ये काम कर जाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ बहुत कम होती है, साल भर में ये खराब हो जाते हैं। ये 4 लीटर पर मिनट देता है, एक पंप 4 लीटर पर मिनट आउटपुट देता है, तो ऐसे ऐसे 2 लगा लेते हैं हम लोग उसमें तो हमारा लगभग काम हो जाता है। तो पानी का पंप भी कुछ एयर उसमें प्रोड्यूस करता है, और बायो प्लग में ऐसा होता है कि पानी का पंप तो यूज होता नहीं है, इसलिए उसमें आपको एरेशन थोड़ी हैवी देनी पड़ती है। तो ये 38 लीटर है, यानी कि इस एक पंप के समझिए कि 4×9 ये 9 पंप या 10 पंप जो काम करेंगे वही अकेला करेंगे, ठीक है, इस तरह के 9 पंप के बराबर ये अकेला काम करेगा। और अब 85 से भाग देंगे तो 20×80 यानी कि ऐसे ऐसे 20 पंप जितना काम करेंगे वो ये अकेला करेंगे, और लाइफ इनकी कभी भी ज़्यादा ही होगी हैवी पंपों की, तो इसमें तो डायफ्राम पंप है तो ये लाइफ बड़ा कम हो जाता है, इसका डायफ्राम बार बार खराब हो जाता है, हालांकि रिपेयर भी हो जाते हैं, लेकिन हमने तो कभी कोशिश की नहीं रिपेयर करने की, दुकान पर लेकर जाए शायद रिपेयर भी हो जाते होंगे, तो इनका तो मेरे पास कोई यूज नहीं है, शायद अगर हम अलग से ब्लॉक का ट्राई करेंगे तो उसमें इसको यूज करेंगे, एक पंप लगाएंगे एक ड्रम में, लेकिन दोस्तों हम अलग से ट्राई करेंगे नहीं, का हमें अपने ऊपर विश्वास है, हम डायरेक्ट टंकी में ही फ्लोक बनाएंगे या टंकी में मछली डाल के फ्लोक बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम सारा पानी भरेंगे उसमें डायरेक्ट, जितना भी फीस हमें पालना होगा 2,000-3,000 डालना होगा डालेंगे साथ साथ, और उसके साथ में अपना एरेशन दे दिया और फ्लोक बनना चाहते, ठीक है, अलग से फ्लोक बनाए कोई आवश्यकता नहीं है, टेम्परेचर ऐसा ही होना चाहिए बस, हमने बिना फ्लोक के ही काम किया है और लगभग 1 महीना लगता है आपको सही तरीके से फ्लोक बनने में, और तब तक आपको यही होगा कि थोड़ा सा एरेशन अमोनिया वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको वीडियो 1-2 दिन में दूंगा कि बायो फ्लोक क्या है और किन किन पॉइंट पर आपने ध्यान रखना है, इसकी चिंता मत कीजिए आपका फ्लोक बना है कि नहीं, वो आपका नेचुरली बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, कोई प्रोबायोटिक इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी बने, तो इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा कि टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा बनने, ठीक है, नहीं तो भगवान नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, हर जगह अवेलेबल है, आपके वातावरण में इतने सारे बैक्टीरिया हैं, आपके पेट में अगर बैक्टीरिया ना हो तो आपका खाना नहीं पचेगा, आप जो भी खाएंगे वैसे का सड़ता रहेगा, आपके मुंह में इतना बढ़िया एंजाइम बनता है कोई पाचन रस का काम करता है। तो दोस्तों प्रोबायोटिक के बारे में विशेष चिंता ना करें, वो आप कोई भी प्रोबायोटिक आपने इस्तेमाल कर लेना है, उसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो आपको देंगे,
तो दोस्तों अभी विदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर हमारा भी हौसला बढ़ता है इससे। दोस्तों धन्यवाद।